आज बनाया वेजिटेबल समोया, नमकीन समोया, तो हेल्दी और टेस्टी। तो चलो ब्रेकफास्ट में वही बनाया, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज के ब्रेकफास्ट बहुत ही नया टाइप का बनाया, बच्चे लोग को इम्प्रेशन देखते हैं कैसे लगता है टेस्ट। ऐसे हेल्दी खाना बना के खिलाएंगे ना तो मैगी खाना भूल जाएगा, बहुत ही टेस्ट। कैसे लग रहा है सया? कैसे है बेटा? बहुत टेस्ट है, हैवी टेस्टी बन रही है। तुझे कैसे लग रहा है? आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं बेटा। तो चलो हम तीनों ही अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फर्स्ट के बाद बना दिया चॉकलेट मिल्क शेक, तो अभी खाएगा बच्चे लोग, खाएगा नहीं पिएगा, पिएगा पिएगा। यस, आज बनाया घी वाला रोटी और ये है रेड लिंटन गवर आलू की सब्जी। तो आज के लंच में इतना ही बनाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया 1:00 और घर के सारे काम, बच्चे के पढ़ाना, लंच बनाना और बेटा को खिला के भी हो गया, मीन्स खाने को दे दिया था। और बेटी और मैं खाएंगे अभी, और पूजा पाठ किया, बहुत ही फ्रेश लग रहा है। अभी चलते हैं लंच कर लेते हैं और रोटी बाटी बनाया वही खाऊंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके एडिटिंग में बैठूंगी क्योंकि आज मुझे फ्री मिलेगा, नहीं तो बेटा का ऑफिस चलता है तो मैं सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इसके लिए सब आराम से हो रहा है। और थोड़ा वेस्ट करके एडिटिंग कर लूँगी, बाद में क्या क्या करती हूँ क्या नहीं, तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कर लेते हैं लंच। तो लंच कर लेते हैं, ये नया ट्राई किया रेड लिंटन और कवर के सब्जी, तो बेटा बोल रहे थे बहुत ही टेस्टी बना है, तो चलो देखते हैं टेस्ट करके कैसे बना है।
मेरे पीछे क्यों उछल कूद कर रहे थे? ऐसे पता है मुझे क्यों क्यों वो टीवी देखेगा। बंद करो, चलो लंच कर लेते हैं। Enjoy! सारे आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो गया। ये है मैंगो, ये है पिस्ता, और ये है प्लेन वनीला, और ये है चॉकलेट। तो अभी सारे आइसक्रीम को ऐसे स्कूप करके निकाल लेती हूँ। और एक एक आइसक्रीम को, बहुत ही गर्मी है इधर, इसके लिए मेल्ट हो रहा है। अभी इसमें चॉकलेट सिरप से गार्निशिंग कर दी थी। हो गया चॉकलेट, ये है वेनिला, तो ऐसे बहुत मेरा है। ये है वेनिला फ्लेवर का व्हाइट वाला, जो टूटी फूटी के साथ में ऐड किया था, ये चॉकलेट। और दूसरे तरफ ये है पिस्ता। ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ और गर्मी के वजह से ना बिगड़ रहा है, इसके लिए सब जल्दी जल्दी ऐसे कुकर से निकाल के सेट करना पड़ता है। ये है पिस्ता फ्लेवर का, गर्मी बहुत है इसके लिए मेल्ट हो रहा है। अभी मैंगो फ्लेवर का कलर भी बहुत अच्छा आया और सेट भी बहुत ही अच्छा था। अभी साथ कर लेती हूँ, देख ही सकते हैं चारों फ्लेवर का, चारों आइसक्रीम बनके रेडी हो गया। ये है मैंगो फ्लेवर, ये है पिस्ता फ्लेवर, ये है वेनिला फ्लेवर, और ये है बच्चे लोग को बहुत पसंद है चॉकलेट फ्लेवर। एक ही आइसक्रीम का बेस से फ्लेवर चार ऐड करके चारों फ्लेवर का आइसक्रीम बनाया, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना। गर्मी में जरूर एक बार ट्राई कीजिए। और आप लोग तो ये लोग आइसक्रीम का चैलेंज किया था, आराम आराम से खाया, बेटी ने जीत लिया। मैं तो एकदम आराम से खा रही थी और मैं अभी आराम से खा रही हूँ। मेरे पूरे मुंह पे लगा हुआ है, मैं बिल्ली बन चुकी हूँ। क्यों बोलो तो, कॉम्पिटिशन में भाग लिया तो भाग भाग गए जितना है ना, इसलिए मैं मुंह नहीं। सच्ची में मार्केट में इतना टेस्ट नहीं मिलता, मैं खुद का खुद तारीफ नहीं करूँगी। बट आप लोग कैसे हैं, मेरा प्रोसेस है, एक बार आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके बताइए कैसे बना है। मुझे ना सबसे ज़्यादा चॉकलेट और वेनिला पसंद है। पिस्ता मैंगो तो ठीक ही था, मैंगो का ना एकदम मैंगो जैसा फ्लेवर आ गया था। यस, और वेनिला का मैंगो फ्रेश फ्रूट से बनाया ना, तो इसलिए। और पिस्ता भी, हाँ पिस्ता का थोड़ा फ्लेवर आया था अच्छे से। मैं तो पिस्ता भी आ रहा था ना। हाँ मैंने ना पहले सारे जो थे ना थोड़ा थोड़ा करके लिया एक ही चम्मच में और खाया, बहुत टेस्टी था। मिक्स कर खा के देखना एक दिन, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया। तो चलो बाद में मिलते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ गर्मी में। बच्चे लोग बाहर गया और कोई तो आवाज़ कर रहे थे, और कितना भी आइसक्रीम खाओ और कुछ भी करो, शाम को थोड़ा चाय नहीं पिएगा तो होता नहीं ना। तो देखो वो लोग गया और आ भी गया। आ गया,
क्या करने गया था रे तुम लोग? कुछ नहीं, कुछ पार्सल लाया है। देखो ऐसे ऐसे कर, खाने वाला आया घर से मुंह निकाल। आते एक कांड कर लिया क्योंकि ये देखो पोछ रहा है। क्यों ना पहले हाँ इसमें गिरा है फूल, हाँ चटनी गिरा मत। देखो आते ही वो लोग को चालू हो गया। हाँ और क्या लाया देखो, बहुत कुछ लाया है। एक ग्रीन चटनी, ये रहा नहीं जाता इधर रख। और ये है क्या, समोसे? समोसे अरे आज है समोसे। पापा पहने तो, और ये भी निकालो। क्या आप क्या लाए? देखो अभी लाए, मैं उनको बोला, वो बोल रहा था भजिया, वो बोल रहा था सिर्फ कि ये ही लेके चलते हैं। और इसमें वो है चटनी, वैसे बनने तो फिर बोले संभाड़ा बोलते हैं। मैं क्या बोलते हैं और जो समोसा के साथ खाते हैं ना, मैं एक बार दिखा देता हूं। हां दिखा। तो समोसा ये है भजिया। देखो घर पे कितना भी बनाओ ना बच्चे लोग को बाहर खाना ही पसंद है। दो टाइप की चटनी और ये भी एक पपाया का चटनी बोलते हैं, दो जगह पे दिया है। तो चलो हम लोग चाय के साथ एंजॉय करते हैं। कैसा लग रहा है सबको? बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे तो घर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब घर का भी अच्छा है, बाहर का भी खाना कितना भी खिलाओ ना बच्चे लोग तो बाहर का ही चाहिए। और से बाहर का ही खाना मैं इतना बना दी फिर भी वो चला जाता है। मम्मी कुछ बनाई उसके पहले निकल गया। और उसने मेरे पैसे से खाया है। तू कहाँ कमाती है? बस लड़ाई मत करो, मेरी पॉकेट में बस कर बेटा काम। अरे मुँह में चलते चलते हाथ पर चल रहा था, इसके लिए कंट्रोल करना पड़ता है। मीठी चटनी पूरा गिरा रहा था और मैं तो दे 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 खाओ खाओ अपने बच्चों को भी खिलाओ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है कभी चलते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी जो पापड़ी समोसा, हाँ समोसा का ये रहता ना, और अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। ड्रेस चेंज भी हो गया। इतना सारा ड्रेस है लेकिन आप लोग इसको देखेंगे एक दो ड्रेस में, जो भी बड़ा हो गया था ना बच्चों कौन सा भी पहनने को बोलो तो नहीं पहनता। बहुत सारा ड्रेस है लेकिन पहनता नहीं। मैं जो छोटी थी ना एक दिन में मेरे 5 ड्रेस बन गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ड्रेस। मैं कभी से एक अगर भाग गई तो इस पे प्रेशर मत दे, बच्चे लोग ऐसा होते सुनते हवाई में उठ रही हूँ। बाबा तो नहीं बोले बट एक चीज बोल रहे हैं। हाँ कैसे जल्दी जल्द बहुत जल्दी
मार्केट का भाव लगा है जो ये दर लगती स्वीट्स पे क्यों और इधर का टेस्ट करके हो गया इससे चलो हम लोग एंजॉय करते हैं देवों के से पैर उठा के बैठते हैं उसको जो कंफर्टेबल होता है वही करते हैं।